90 के दशक में प्रारंभ हुई, 4 पेज का फोल्डर होता था एक, मंडी में पूजनीय रज्जू भैया जी की उपस्थिति में ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और उनका उस समय आग्रह था कि पत्रिका शुरू करना बड़ा आसान काम है, परंतु इसको चलाना बहुत कठिन है, बंद ना हो इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं के सामने है। परंतु हम हिमाचल में देख रहे हैं कि 4 पन्नों का फोल्डर आज अच्छे स्तर पर, अच्छी गुणवत्ता के साथ हिमाचल के लगभग 9,500 गांव में ये पत्रिका इस समय जारी है। इस वर्ष 30,000 कोरोना के कारण से ऐसे 40,000 तक सदस्यता गई थी, पर इस वर्ष यानी 22 से 23 में 23,000 की सदस्यता हिमाचल प्रांत में रही है। आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रांत का संख्यात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा नाम आता है। इस समय हम देखें तो दुनिया में अब लड़ाई जो है वो केवल और केवल विचारों की रह गई है, और वो जो पहले जमाना था जिसकी लाठी उसकी भैंस, कभी एटम बम परमाणु बम, अब जो वर्तमान का जो समय है वो विचारों का है। अब जो चल रहा है वो आइडियोलॉजिकल वार है। सब लोग लगे कि दुनिया में हमारा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारा विचार ही सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, इसलिए अपने विचार की सर्वमान्यता हो इसके लिए सब प्रयास रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे विचार चलते हैं, उनकी ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, पर उन विचारों को केवल हम इतना समझेंगे कि वो विचार ना तो दुनिया की भलाई का काम करते हैं, ना सुख शांति के वो पक्ष में रहते हैं, परंतु वो हमेशा इस कार्य में रहते हैं कि हमारा विचार दुनिया के सब लोग माने। इसलिए वो अपने विचार को मानने मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करते रहे। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो अपने विचारों को स्थापित करने के लिए पत्रिका भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। पत्रिका माने ये जो साहित्य जगत की हम जब बात करते हैं, लेखनी की जब हम बात करते हैं, हम बहुत भाषण देते हैं, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। किस प्रकार से बनाया? शारीरिक रूप से बनाया था, मानसिक रूप से बनाया होगा तो चले गए 47 में। आज भी हम क्या स्वतंत्र हैं? शारीरिक रूप से स्वतंत्र है, मानसिक रूप से कितने विचार करें, परंतु हम जो बोलते हैं वो इंजेक्ट करके गए। क्या बातें करके गए? वो किताबों में लिख करके गए, साहित्य ऐसा हमारे ऊपर थोप दिया, शिक्षा पद्धति में ऐसी बातें जोड़कर चले गए जिन्होंने हमारी मानसिक स्थिति अभी भी वही रखी है। आज तो वो कोई भी यहाँ पर नहीं है, पर उनका विचार आज भी हमारे बीच में काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? एक विचार हमने सुना होगा, कम्युनिस्टों का विचार, तो शायद पुराने लोगों को ध्यान होगा यदि मैं ठीक कह रहा हूं। एक पत्रिका उन्होंने फ्री में पूरे भारत में बंटवाते थे, शायद सोवियत नारी करके होगी, सोवियत नारी। पूरे भारत में कम्युनिस्टों का विचार जाए तो इस पत्रिका का गांव गांव में वितरण करते थे। गांव गांव जो बची खुची कसर थी, वो जो सर्व शिक्षा अभियान जब चला, हर किसी को हस्ताक्षर करने आने चाहिए, हस्ताक्षर के नाम से सबको क्या बना दिया? अपने विचारों के प्रति। तो आज हम देखते हैं बहुत सारा लिटरेचर पूरे भारतवर्ष में किनके विचारों का मिलता है। आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट पर देख लीजिए, कोई लाइब्रेरी देख लीजिए, और सरकारी सिस्टम में देख लीजिए, सारे पुस्तकों का भंडार अपने विचारों का आज भी बहुत कम मिलता है। क्यों? हमारे साहित्य को तो क्या बता दिया, महाभारत घर में नहीं रखनी, ऐसा बता दिया, स्थापित कर दिया। क्या बोल दिया? महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत हो जाती है। तो इसलिए लोगों ने महाभारत और रामायण जिनके थी, पहले तो नहीं थी, जिनके थी उन्होंने बांध करके पोटली बना करके पूजा घर में रख दी, धूप अगरबत्ती देते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जब प्राण नहीं निकल रहे हैं किसी के, तो उस समय वाचन करवाया जाता है कि ताकि प्राण निकल जाए, इसलिए गीता रखते हैं कुछ लोग, उस समय वाचन करते हैं। यानी जितने भी हमारे साहित्य जगत था, दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य हमारे पास था, आज भी है,
वो गायब कर दिया और ऐसा जो दुष्प्रचार वाला साहित्य है वो हमारे ऊपर थोप दिया। तो अपने विचारों को ले जाने के लिए, अपने विचारों को स्थापित करने के लिए साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आप इसको केवल 32-24 इस पन्नों की पत्रिका मत देखिए, आप विचार कर लीजिए अपने घर का, अपने अड़ोस पड़ोस का विचार कर लीजिए, हिमाचल का विचार कर लीजिए। हमारे विचारों को लेकर के कितनी ऐसी पुस्तिकाएं, कितनी ऐसी पत्रिकाएं छपती है। पहली बात मैं छपने की कर रहा हूं, फिर छपने के बाद हमारे घर में कितनी आती है। तो हम संगठन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, इस कारण से जब 150 रुपये मांगने कार्यकर्ता आता है तो पढ़ते नहीं पढ़ते हो बाद का विषय। मेरे आप जैसा कार्यकर्ता जब किसी के पास जाता, भाई साहब मातृवंदना का सदस्यता अभियान चला है, आप भी सदस्यता कर लीजिए। तो इसलिए हम मान सम्मान के चक्कर में 150 रुपये दे देते हैं, घर में कहाँ पड़ी होती है पता नहीं, पर फिर भी कार्यकर्ता के नाते हमारे घर में मातृवंदना तो आ ही जाती है। इसके अतिरिक्त हम विचार करो, करिए विचार कि हमारे घर में कौन सी पत्रिका है जो जिसमें संस्कार मिलते हो, जिसमें देशभक्ति की बातें हो, जिसमें हमारे धर्म को लेकर के बातें लिखी होती हो। यहाँ पर यदि किसी को खड़े होकर के भी 2-4 पत्रिका के नाम गिनाने हो तो कोई नहीं बता सकते। पत्रिकाएं आती है, वो आती है कौन सी, सेलिब्रिटी। वो कौन सी आती है, दुनिया के सबसे पावरफुल, क्यों, वो पैसों से चलती है। अपना फोटो छपवाने के लिए उसमें कुछ भी लिखवा दो, कुछ भी छपवा दो पैसे दे करके। तो इसलिए अपने विचारों का साहित्य क्या क्या आता है ये हमको जानकारी चाहिए, उसके विषय को हमको समझना चाहिए कि विचारों को यदि ठीक प्रकार से नीचे तक ले जाना है तो अच्छे विचारों का साहित्य अपने घर में आना चाहिए। हमारा पांचजन्य आता है दिल्ली से, साप्ताहिक पत्रिका है, जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको लगता है मुझे देश राष्ट्र समाज की जानकारी रहनी चाहिए, देश दुनिया में क्या हो रहा, बड़े अच्छे अच्छे लेखकों के उसमें विचार छपते हैं, तो हमारे घर में आती है क्या, हम विचार करें। यदि कोई इंग्लिश पढ़ने वाला तो उनके लिए ऑर्गेनाइजर आती है, हिमाचल में जैसे मैंने बताया मातृवंदना आती है, बहुत सारे ऐसे कुछ संगठन हैं जिनकी कुछ ना कुछ पत्रिका छपती है, विद्यार्थी परिषद की छात्र उद्घोष छपती है, राजनीतिक क्षेत्र वालों की शायद कमल संदेश, दीप कमल ऐसी आती है, अधिवक्ता परिषद की आती है। अब उसमें वैचारिक रूप से कितना कुछ आता है, अब मुझे जब से दायित्व है तब से थोड़ा पढ़ने का अवसर मिलता है। तो हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी पत्रिका आती है, पहला विचार हमको ये करना है। दूसरा, हम पढ़ते हैं क्या, जानकारी रखते हैं क्या, जो मेरे संपर्क मेरे परिवार का सदस्य है, अड़ोसी पड़ोसी, उनको हम पढ़ाते हैं क्या, उसके ऊपर चर्चा करते हैं क्या। हम बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है जी, बहुत पत्रिकाएं आती पड़ी रहती है, आजकल तो जमाना सोशल मीडिया का है, घटना घटती नहीं है तब तक सूत्र सोशल मीडिया पर जानकारी दे देते हैं। परंतु जमाना याद कीजिए कि अखबारों के लिए कैसे लोग तरसते थे, यानी बहुत जिसको आज की शब्द में परिभाषा में VIP बोलो, उनके घरों में अखबार आती होगी। फिर टेलीविजन का जमाना है तो दूरदर्शन में थोड़े रामायण के सीरियल या कुछ ऐसे समाचार आते होंगे तो कितना रश होता था। जमाना बदलता गया, आज तो आप 1 मिनट के अंदर कितने चैनल बदलते हैं, आज तक से G News, JBBP, फलाना फलाना, मजा नहीं आता है, वो बदल रहा है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। परंतु जो पढ़ने की जो वैल्यू है, पढ़ करके जो हमारे अंदर ताकत आती है, जो हमारे अंदर ऊर्जा आती है, जो हमारे अंदर उन गुणों का निर्माण होता है, उसको हमको विस्मरण नहीं करना चाहिए। रामायण ऐसी लिखी गई थी, महाभारत ऐसी लिखी गई थी, और इतना नहीं, कोई 2-4 शब्द जब कविता के रूप में कोई लिखता है, वो कहीं छपते हैं, उसका असर पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े आप ध्यान कीजिए कवि लेखकों के बारे में, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कुछ नाम सामने आते हैं जो फांसी झूले या जेल में गए, परंतु जब विस्तृत रूप से कभी हम अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता के लिए केवल आंदोलनकारी या जेल में थे फांसी में, केवल उनका योगदान नहीं है, तो साधु संत समाज के ऐसे जो लोग थे, चाहे वो लेखक थे, चाहे वो कवि थे, साहित्यकार थे,
उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजादी के जो गीत लिखे गए, जो आज भी नौजवानों के अंदर कितना देशभक्ति के भाव को जागृत करता है। दुर्भाग्य अलग है कि केवल वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही माइक में बजते होंगे, या थोड़ा आज देश का जो वातावरण परिवर्तित तो हुआ है, आज देखते हैं बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े फंक्शंस में देशभक्ति और ऐसे अच्छे भजन सुनने को मिलते हैं। तो ऐसी कविताओं ने बड़े बड़े नौजवानों के उनके जीवन को दिशा दिए, उन कवियों के कारण दिए, उन लेखकों के कारण मिली, उन साहित्यकारों के कारण मिली है। पृथ्वीराज चौहान का हमने पढ़ा है ना प्रसंग, मोहम्मद गोरी को एक कवि के वाक्य पर मारा था। पुराने कार्यकर्ताओं को ध्यान होगा कि चंद्र वरदई जो कवि हुए, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया था, आंखें कांच डाल करके मार दिया, मरने जेल में डाला था, तो शब्द वेदी बाण चलाने के लिए चंद्र वरदई कवि के द्वारा 4 पंक्तियां बोली गई। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान बैठा मत चूको चूहा। यानी 2 पंक्तियां पढ़ी, बाण चलाया, जहां पर उस कविता में उस सारा नाप नपाई करके बताया, मोहम्मद गौरी की कब्र उसी के देश में खोदी। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं कि कैसे जीवन, कैसे देश के लिए, धर्म समाज के लिए एक लेखनी के द्वारा, एक पत्र पत्रिका के लेख के कारण से समाज में क्रांति आती है। अन्ना हजारे जी के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, आत्महत्या करने जा रहे थे रेलवे स्टेशन पर, जब विवेकानंद जी की जीवनी उठाई पढ़ी तो एक नया जीवन उनको मिला। बताते हैं कि मेरा मरने का मन था, आत्महत्या कर रहे थे, पर एक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के कारण से जो उस पुस्तक में पढ़े, आज अन्ना हजारे जी के दर्शन करने के लिए स्कीमें चलती है हर स्टेट में। तो इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए कि केवल ये जो हमने इसको जागरण पत्रिका इसलिए कहा कि समाज के भीतर अपने विचारों का जागरण होना चाहिए। अपना विचार क्या है? वो भारत भक्ति का विचार है, वो हिंदुत्व का विचार है, वो देशभक्ति का विचार है। मैं हमेशा कहता हूँ भारत का विचार, राष्ट्र का विचार, हिंदुत्व का विचार ही संघ का विचार है। संघ का विचार कोई अलग से नहीं है, वही विचार इस पत्रिका में आते हैं। इसके अतिरिक्त अपने बंधु भगिनी, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी कुछ अच्छा करते हैं, उनके भी ऐसे इसमें प्रसंग हम लिखने का प्रयास करते हैं। बाल कथाओं के लिए, इसमें नौजवानों को दिशा देने के लिए, कोई कृषि के क्षेत्र में समाज परिवर्तन, समरसता, कुटुंब प्रबोधन, उसके लिए इसमें लेख लिखे जाते हैं। और लेख लिखने वाले कोई नहीं, यहाँ पर एक परिचय कराया संपादक सदस्य का, मातृवंदना संस्थान के जो कार्यकर्ता हम में से ही है, संपादक मंडल जो एकदम निःशुल्क इतने वर्षों से काम कर रहा है। कई लोगों ने अपने कॉरेस्पोंडेंट रखे होते हैं न्यूज के लिए, समाचार देने के लिए, हमारे कॉरेस्पोंडेंट आप ही है, आप ही हमारे को समाचार भेजते हैं, आप ही हमारे को जानकारी भेजते हैं। इसलिए भी एक आपसे निवेदन है, आप में से कोई अच्छा लेख लिखने वाला है, आप में से कोई अच्छी कविता लिखने वाला है, या मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसी संस्कार देने वाली कोई घटना है, देशभक्ति देने वाली घटना है, उसको लिख करके आप इसमें एड्रेस लिखा है, पता लिखा है, उस पर आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें प्रयास करते हैं संपादक मंडल के कि उसके लिए जगह मिले, वो लेख लिख करके आए। इसलिए इस विषय को हमको इस प्रकार से समझना पड़ेगा, ये जो जागरण पत्रिका है केवल ये मेरे घर में आ रही है, हम उसको पढ़ नहीं रही है, तो इस विषय को समझना पड़ेगा कि हमारा विचार नीचे तक सबके पास पहुंचे, तो उसके लिए कि ये भी बहुत बड़ा माध्यम है, और माध्यम है बहुत सारे, उसकी भी समय समय पर हम चर्चा करते हैं। पर पत्रिका का एक बहुत बड़ा महत्व है, ऑथेंटिसिटी के साथ इसमें बातें लिखी होती है, हाथ में जब पकड़ते हैं तो मन करता ही है पढ़ने का। इसलिए हमारे घर में सबके पास आए, जो मैंने शुरू में निवेदन किया, पार्सल प्रमुख, वितरक प्रमुख, इसके नाते हम भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये भी एक राष्ट्र आहुति हमारी होगी। दूसरा जो एक विषय आपके सामने, कार सेवकों का, यहाँ पर जानकारी में बताया जो इस बार मातृवंदना का विशेषांक है, वो
श्री राम मंदिर को समर्पित है। बहुत सारी चर्चा राम मंदिर को लेकर के हो रही है। मैं भी जब नया नया शाखा में जाना शुरू हुआ तो शाखा में दो तीन नारे नहीं बोलते, हम उद्घोष बोलते हैं शाखा में, वो लगाते थे। एक जम्मू कश्मीर को लेकर बोलते थे और एक राम मंदिर को लेकर बोलते थे। बोले राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा संकल्प था मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा। मंदिर तो बन रहा था, बहुत सारी स्कीमें थी, प्रपोजल थी, कहीं भी बना लो, जगह भी मिल रही थी, मुसलमान बंधु भी सहयोग करने को तैयार थे, पर बोलते थे वहां मत बनाओ, कहीं भी बनाओ। पर हमारा संकल्प क्या था, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम सभी ने देखा ये जो यहाँ पर 90 की कार से 92 सारा जो प्रसंग आप इसमें पढ़ेंगे, ये जो यहाँ पर बैठे ऐसे कार से इनसे जब आप प्रसंग सुनेंगे तो बाद में संकल्प बदला, नया नारा शाखा में हमने लगाना शुरू किया, राम लला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। मंदिर तो बनेगा पर कैसा बनेगा, भव्य बनेगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो विश्वास एक न्यायालय की प्रक्रिया में और राम भक्तों की दृढ़ आस्था में था ही, पर मेरे जीवन में भी मैं कह सकता हूँ बहुत सारे कारसेवकों से मिलना हुआ है, मुझे सौभाग्य मिला है, जो उस गुंबद पर चढ़े थे जब गोलियां खा रहे थे, जिनको गोलियां लगी उनसे भी मिलना मेरा हुआ है, जो अपनी जान बचाने के लिए पानी की टंकियों के अंदर पूरे दिन भर डूबे रहे उनसे भी मेरा मिलना हुआ है, संपूर्ण हिंदू समाज का जो बलिदानी हुए रास्ते आते पहुंचे या किसी ना किसी प्रकार से कार सेवा की, जो नहीं भी गए थे, ऐसे संपूर्ण हिंदू समाज का आज जो भव्य मंदिर का हम स्वरूप देख रहे हैं, सबका योगदान है उसमें। तो 90-92 के बाद मुझे लगता आजकल का ही प्रसंग है कि कार सेवकों के नामों को हम ढूंढ ढूंढ करके सूची बना रहे हैं और प्रयास किया है थोड़ा बहुत कि इस मातृवंदना के विशेषांक में भी नाम और कुछ फोटो सहित आए। आगे भी प्रयास कर रहे संस्थान के कार्यकर्ता कि जिला अनुसार नाम और सूची हमारे को मिल जाए, तो हर महीने हम इस विषय को इसमें चलाएंगे ताकि भविष्य में जब हमने कार सेवा के बारे में कार्यकर्ताओं ने आगे अपनी पीढ़ियों को बताना हो तो ये जो मंदिर बना है कैसे खून पसीने, कैसे अपने बलिदान को दे करके बना हुआ है, ये केवल भाषणों से नहीं बना हुआ है, किसी एक नेता एक पार्टी के कारण से नहीं बना है, इतने कार सेवकों के बलिदान के कारण से और पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने अपने घर से मंदिर से राम नाम की माला का जप किया, ये सब उनका प्रतिसाद है। एक राजगढ़ के साथ गांव है, मैं वहां विस्तार कर रहा हूं, तो बहुत समय तक उनसे वहां के प्रसंग में सुनता था, राम लक्ष्मण की उनको जोड़ी कही जाती थी, एक निचले गांव से एक ऊपर गांव से, हम प्यार से उनको मामा जी कहते थे, सुंदर सिंह मामा जी, एक उनके मित्र जो लक्ष्मण के रूप में सोहन सिंह जी। तो उस समय फसलों का काम है, कोई जो भी अपने व्यवसाय है, तो ऐसा बताते जो घर से गए थे वो ये मान करके गए थे कि हम वापिस घर जीवित नहीं पहुंचेंगे, इस भाव से गए थे कि हम वापिस जीवित नहीं पहुंचेंगे, तो यानी अपने घर से सारा बंदोबस्त करके कार सेवा में गए थे। तो बताते हैं कि रात में कहां जंगलों के रास्ते, नदियों के रास्ते, कोई आधे रास्ते से जेल में चला गया, कोई रेलगाड़ी में पकड़ा गया, कोई कैसे करके, और उस समय तत्कालीन सरकार उनके डायलॉग्स क्या थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हमने कर रखी वहाँ पर। और हमने देखा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी, फिल्में बन रही, बहुत सारे चित्र मिलते हैं, ये जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ सोन सिंह मामा जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर गए थे, तो मुझे बता रहे थे कि जब हम यात्रा करते थे रात में बैठ के होती थी, फिर वहाँ पूछते थे कौन कैसे आया है, कौन तुम्हारा टोली का प्रमुख है, परिचय कराते थे दक्ष में स्वयंसेवक सारा, तो मैं देखता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो मेरे से भी पूछा गया आप
के पास दायित्व क्या है, आप इसकी योजना से आए हैं, आप संघ के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है। तो मैंने खड़े होकर के कहा, वो बताते हैं, मैंने खड़े होकर के कहा कि मैं इतने दिनों से ये जो देख रहा हूँ हमारे लिए भोजन व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है, आगे हम अयोध्या तक पहुँचे उसके लिए योजना किस प्रकार से की जा रही है, कार्यकर्ता का समर्पण भाव है वो किस प्रकार से मैं जो देख रहा हूँ, यदि यही संघ है तो ये संघ मेरे नस नस में भरा हुआ है, मेरे नस नस में संघ है। और संघ में नहीं गए थे कभी, वो संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। यदि यही संघ है जो मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे संघ नस नस में और पूरे जीवन भर ये रहेगा। एक पत्रिका में पुल पर जब उनको पकड़ा गया था, उनको पुलिस वाले पकड़ करके ले जा रहे, तो उसमें फोटो छपी है उनकी। सोलन मरियो के पास जाएंगे, एक सत्या दीदी जी, कल जानकारी मिली आजकल कैंसर से ग्रसित है। फिर माताएं बहने गई थी कार सेवा में, यानी ऐसे हिमाचल के आप नाम गिनेंगे वो ठीक है, कोठारी बंधुओं का वर्णन आता है, तो मैं हिमाचल के इतने नाम और उनके इतने प्रसंग समय कम पड़ जाएगा। किस प्रकार से वहां पर गए, कार सेवा करके आए, कुछ बहुत सारे वापिस नहीं आए, परंतु आप समर्पण भाव देखिए, आस्था देखिए। आज किसी को यदि बोलना हो ऐसे ऐसे जाना है तो मुझे लगता है हिम्मत नहीं कर पाएंगे, दुकान बंद, बच्चे किसके पास छोड़ने, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चे परिवार का क्या होगा। और उस समय से कार सेवकों ने किया, यही कारण है उन कार सेवकों के बलिदान के कारण से, समर्पण भाव के कारण से आज ये पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया में जो राममय वातावरण बना है, ये सब उनका मेहनत का फल है। इसलिए हम सबको इनको प्रणाम करना चाहिए, इनके पास कभी बैठ करके जहाँ भी मौका लगता है पूरे हिमाचल भारतवर्ष में प्रसंग किससे सुनने चाहिए। मैं समझता हूँ क्योंकि ये मान सम्मान के लिए नहीं गए होंगे, या यहाँ भी मान सम्मान के इसमें नहीं आए होंगे, परंतु मुझे लगता है कि हमारे लिए एक प्रेरणा प्रस्तुत कर सके, हम इनसे कुछ प्रेरणा ले सकें, इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। इसलिए आज का ये जो दो विषयों के साथ का प्रसंग यहाँ पर जुड़ा है, मुझे लगता है कि वहाँ तो मंदिर जैसे कैसे बन ही रहा है, भव्य भी बन रहा है, परंतु वो जो अयोध्या राम की अयोध्या वहाँ बन रही है, हमारे मन की अयोध्या कैसी है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम विचार करते हैं क्या। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पहले तो राजा बनने वाले थे वो राजकुमार, और हम समझते हैं राजा, यानी जब राजा बोलते हैं तो कुछ और परिभाषा और दृश्य मन में आता है, पर जब राज गद्दी नहीं मिली, अगले दिन उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा, तो 14 वर्ष बाद जब आप वापिस आए तो पहले राम जी थे, बाद में क्या कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो हम 14 वर्ष के लिए कहीं नहीं जा रहे, हम सब अपने घर पर ही, अपने रामपुर क्षेत्र में ही, करसो किन्नौर में, परंतु कम से कम मेरे मन की अयोध्या उनके अनुसार बन रही है क्या, मेरा भाई के प्रति, मेरा बहन के प्रति, माता पिता के प्रति, मेरा देश समाज के प्रति क्या योगदान है, कैसा मेरा भाव है, कैसे मेरे मन के विचार है। यह है मन की अयोध्या, वहां जैसी जैसी अयोध्या बन रही है ऐसी ऐसी अयोध्या हमारे मनों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर बननी चाहिए। अंतिम बात कहकर के अपना विषय पूरा करता हूं। मैंने अपने आंखों से दृश्य देखे हो, आप सबने तो देखे ही होंगे, जब रामायण प्रारंभ होता था, अभी पंचकुला में फिल्म फेस्टिवल था 3 दिन का, तो उसमें कुछ ऐसे अरुण गोविल जी, धर्मराज युधिष्ठ का रोल करने वाले, वो सारे उसमें आए थे, तो उनको नजदीक से देखने सुनने का मौका मिला। आज भी वो कहीं मिलते हैं किन्हीं लोगों को, तो आज भी उनको भगवान राम मान करके लोग प्रणाम करते, इतनी आस्था व्यक्ति विशेष के प्रति भी होगी। तो टेलीविजन में जब रामायण प्रारंभ होती थी तो गांव की माताएं बहनें कई पुष्प लेकर आती थी, टेलीविजन को प्रणाम करती थी। सड़कें तो इतनी हमने देखी नहीं थी, हाईवे देखे थे, पर ऐसा बोलते थे ढाबों में भीड़ लगती थी, लोग गाड़ियां और ट्रक ट्राले खड़े करके ढाबों में बैठ के रामायण देखा करते थे। बहुत अच्छा सीरियल चला, बहुत अच्छी रामायण चली, रामायण समाप्त हो गई, परंतु
परिवारों में राम कितने पैदा हुए, माताएं सीता कितनी बनी, लव कुश कितने हुए, कितने हनुमान बने, ये विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने कहा विचार, वो चाहे पत्रिका के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से, हमारे मन में वो विचार प्रभाव डाल रहा है क्या? डालता ही है, डालना चाहिए, पर मेरे मन में वो विचार आ रहा है क्या, इसके बारे में हम निश्चित रूप से सोचेंगे। और इस वर्ष जो मैंने प्रारंभ में कहा, प्रत्येक परिवार तक ये विचार पत्रिका के माध्यम से जाए, मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में भी ये विचार जाना चाहिए, तो जो संघ के प्रचार विभाग के कार्यकर्ता, अन्य वहाँ पर जो भी पत्रिका प्रमुख है, उनको हम भी कह सकते हैं कि मेरे गांव में भी जागरण पत्रिका आनी चाहिए, यहाँ भी सदस्य बनने चाहिए, मुझे भी रसीद बुक दीजिए। तो ऐसा भी 1 से 15 मार्च तक ये पूरे हिमाचल में जागरण पत्रिका का अभियान चलने वाला है, हम सभी भी इसमें सहभागी बने, इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और इस वर्ष हिमाचल प्रांत के 100% गांव में अपने विचारों को लेकर के जो पत्रिका प्रारंभ की गई है ये पहुंचेगी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी की जो सदस्यता थी पिछले गत वर्ष जिसको हम मानेंगे, तो अपने में से थोड़ा हाथ का संकेत करना, हाँ मेरे घर में पत्रिका आती रही, यानी मैं भी इस पत्रिका का सदस्य हूँ, रहा हूँ, ऐसे सदस्य के रूप में बहुत सारे सदस्य से आगे हम जब बढ़ते हैं तो एक वितरक शब्द आता है इसमें, पार्सल प्रमुख हम बोलते हैं। मैंने अपनी लगाई, परंतु मैं अपनी तो लगाता हूँ, साथ में 5-10-15 और ग्राहक बनाता हूँ। पीछे प्रवास पर आए थे आदरणीय प्रेम कुमार जी, जो अखिल भारतीय स्तर पर जागरण पत्रिका का काम देखते हैं, तो आदरणीय राकेश जी के घर में जाते समय बैठना हुआ था, तो शायद 40 का पार्सल अकेले राकेश जी लगाते हैं कुमार से, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता आप में से होंगे ही, तो ऐसे उन्होंने हम वितरक बोलते हैं, पार्सल प्रमुख बोलते हैं, आप में से ऐसे है कोई, मैं 5-10-15-20 अपने एड्रेस पर मंगाता हूँ और उसका अपने हाथों से महीने में वितरण करता हूँ। 1-2 हाथ खड़े हुए सदस्य हैं, उससे आगे अभी नहीं बढ़े, संकेत किया है इस वर्ष हम पार्सल प्रमुख बन सकते हैं क्या, वितरक बन सकते हैं क्या, मेरे पास कुछ दायित्व है नहीं है, मैं किसी भी संगठन से संबंध रखता हूँ या समाज का कोई भी ऐसा अच्छे काम करने की दिशा में एक नागरिक हूँ, तो इस काम को करने के लिए एक राष्ट्र की आहुति माना जा सकता है कि मैं 10-15-20 की सदस्यता करके महीने में उसका वितरण करता हूँ, तो मैं पार्सल प्रमुख वितरक प्रमुख के नाते अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। एक निवेदन आपसे, इस निवेदन को स्वीकार करने के पीछे हमको विचार करना पड़ेगा। इतनी बात कह करके आज के इस विषय को मैं समाप्त करता हूँ।